नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम रूसो के पॉलिटिकल थॉट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये रूसो वीडियो सीरीज का 6th पार्ट है। इसको समझने के लिए आपको पहले के 5 पार्ट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के भी देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आप चाहें तो हमारा एक पेड क्विज बैच है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में चलता है, जहाँ पे आप टेलीग्राम पे रोज 100 लाइव क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि बेनिफिशियल होगा UGC नेट के लिए और MA एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। इसके बारे में और डिटेल्स के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ये रूसो वीडियो सीरीज का 6th पार्ट है, जिसमें हम रूसो के पॉपुलर सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो रूसो के पॉपुलर सोवरेनिटी का क्या कॉन्सेप्ट था? पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टेट सोवरेन है, कोई भी अगर सॉवरेन है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि उसके ऊपर अब कोई नहीं है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि किसी कंट्री में कोई इंसान सॉवरेन है, मान लो वो वहाँ का प्रेसिडेंट है और वो सॉवरेन है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर अब कोई नहीं है। मान लो कोई स्टेट में एक किसी इंसान की का डिक्टेटरशिप है, वो पूरा स्टेट को कंट्रोल कर रहा है, वो सारा लॉ बना रहा है और वो जो लॉ बना रहा है उसको हर कोई फॉलो कर रहा है, तो वो जो डिक्टेटर है, वो जो पर्सन है, वो सॉवरेन है, वो संप्रभु है। तो सॉवरेन का मतलब क्या होता है कि उसको अब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो जो रूल्स रेगुलेशन बनाएगा उसको हर कोई फॉलो करेगा। तो रूसो कहते हैं कि पॉपुलर सॉवरेनिटी है। रूसो के हिसाब से रूसो जिस तरह के स्टेट की कल्पना करते हैं, तो वो कहते हैं कि वहाँ पॉपुलर सॉवरेनिटी है, यानी वहाँ किसकी संप्रभुता है? वहाँ लोगों की संप्रभुता है, पीपल की सॉवरेनिटी है। तो इस तरह से वो पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं। अब लोगों की संप्रभुता का मतलब वो और डिटेल में समझाते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको जनरल विल पता होगा। तो रूसो का जो पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि सॉवरेनिटी किसकी है? लोगों की सॉवरेनिटी है। और लोगों की सॉवरेनिटी कैसे है? लोगों के रियल विल की सॉवरेनिटी है, यानी पूरे सोसाइटी के रियल विल को जब मिला दिया जाए तो जो जनरल विल निकल कर आएगा उसकी सॉवरेनिटी है, उसकी संप्रभुता है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आपने अगर पिछला वीडियो देखा है तो आपको एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा और आपका रिविज़न हो जाएगा। तो रूसो कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, लोग आपस में, पूरी सोसाइटी के लोग एक साथ बैठेंगे। लोगों के अंदर दो तरह का विल होता है, एक्चुअल विल और रियल विल। रियल विल अच्छा वाला विल होता है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है आपको पता होगा। तो सभी लोगों के रियल विल को मिलाया जाएगा, और सभी लोगों के रियल विल को मिला करके जो विल बनेगा उसको कहेंगे जनरल विल। तो पूरे सोसाइटी के रियल विल को मिला करके जनरल विल बनेगा, उसकी संप्रभुता होगी, उसकी सॉवरेनिटी होगी, उसी के थ्रू लॉ बनाया जाएगा। यानी कि रूसो के हिसाब से सॉवरेनिटी या संप्रभुता किसकी है? लोगों की है, यानी कि लोगों के जनरल विल की सॉवरेनिटी है। तो रूसोज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी स्टैंड्स फॉर द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ जनरल विल इन सोसाइटी। रूसो कहते हैं कि सोसाइटी में किसकी अथॉरिटी है, किसकी अथॉरिटी सुप्रीम है? कौन है जिसके ऊपर कोई नहीं है? कौन है जो लॉज बनाएगा, जिसे हर कोई फॉलो करेगा? तो वो है जनरल विल, यानी कि लोगों के रियल विल का समेशन, यानी कि पूरी सोसाइटी का जो जनरल विल है वो सॉवरेन है, वो संप्रभु है, वो जो लॉ बनाएगा वो ही सब कोई मानेगा और वो ही सबसे ऊपर है। तो रूसो जो है, रूसो मेक्स जनरल विल द सॉवरेन। रूसो जो है जनरल विल को सॉवरेन या संप्रभु बनाते हैं। लॉज विल बी मेड बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ जनरल विल। जनरल विल के आधार पे ही, जनरल विल के बेसिस पे ही लोग लॉ बनाएंगे, कानून बनाएंगे, और वो लॉ या कानून हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड एज एन एजेंसी टू एनफोर्स दोज लॉज। अब उन जो लॉज बनाया जा रहा है, जनरल विल को फॉलो करके जो कानून या लॉ बनाया जाएगा उसको अप्लाई करने के लिए, उसको एनफोर्स करने के लिए गवर्नमेंट को सिर्फ एक एजेंसी की तरह अपॉइंट किया जाएगा। गवर्नमेंट लॉज नहीं बना सकती है। जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ था, जब संविधान बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंट की गई थी। यहीं से आप रूसो
रूसों के पॉपुलर सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो रूसों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, देखो जब हमारा संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, यानी इमेजिन करो पूरे सोसाइटी के लोग एक जगह बैठे। अब वहाँ क्या हुआ, सभी ने अपना अच्छा विल सामने रखा, सभी ने अपना रियल विल सामने रखा। अब उन सब के रियल विल को मिला करके एक जनरल विल बना, उसी जनरल विल के बेसिस पे लॉज या कानून बनाए गए और वो संप्रभु हो गया, कानून सॉवरेन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन हो गया। ठीक है, तो वो जो जनरल विल है वो सॉवरेन हो गया और उसी के बेसिस पे लॉज बनाए गए, किताब लिखी गई, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, अब वो सॉवरेन हो गया। अब जो गवर्नमेंट है उसको सिर्फ एजेंसी की तरह हर 5 साल पे अपॉइंट किया जाता है कि वो उन लॉज को जो बनाए गए जनरल विल के बेसिस पे उसको बस इन्फोर्स कर सके, लोगों से उसको फॉलो करवा सके, जो फॉलो ना करे उसको पनिशमेंट दिया दे, फोर्सफुली फॉलो करवाए। तो यहाँ पे सॉवरेनिटी या संप्रभुता कॉन्स्टिट्यूशन की है, जो लोगों के जनरल विल से बनी है, यानी कि जनरल विल की सॉवरेनिटी है, पॉपुलर सॉवरेनिटी है। गवर्नमेंट तो सिर्फ एक एजेंसी की तरह काम कर रही है जो उस जनरल विल के थ्रू बने गए लॉज को फॉलो करवाती है लोगों से। तो रूसों के पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, सॉवरेनिटी किसकी है, लोगों की है, यानी कि लोगों के पूरे सोसाइटी के जनरल विल की सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है। अब देखो मैन शुड बी फोर्स टू बी फ्री, रूसों के स्टेटमेंट का क्या मतलब है, अब वो कहना चाहते हैं कि सभी लोगों के रियल विल को मिला के जो जनरल विल बना वो सॉवरेन हो गया, संप्रभु हो गया, पॉपुलर सॉवरेनिटी हो गई। अब उसके थ्रू जो लॉ बन रहा है वो हर किसी को फॉलो करना है, जो फॉलो नहीं करेगा उसको फोर्सफुली फॉलो करवाया जाएगा, क्योंकि अगर आप जनरल विल के थ्रू बने लॉज को फॉलो करते हैं तभी आप फ्री हैं, आज़ाद हैं, और आपको आज़ाद रहने के लिए, फ्री रहने के लिए आपको फोर्स भी कर सकती है स्टेट या गवर्नमेंट। अब देखो इट मीन्स स्टेट कैन फोर्स अ पर्सन टू फॉलो द लॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल विल, इन केस अ पर्सन डज नॉट फॉलो स्टेट कैन पनिश, अगर कोई इंसान, कोई पर्सन वो लॉ फॉलो नहीं करता है तो स्टेट या गवर्नमेंट उसको पनिशमेंट भी दे सकती है। तो अब देखो एक और सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे पता है मैं चीज़ों को थोड़ा रिपीट करती हूँ जिससे आपको कभी कभी इरीटेशन होती होगी, बट ट्रस्ट मी साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि आप जो भी चीज़ें बार बार सुनते हो आपको वो याद होता हो जाता है, आपके जहन में बैठ जाता होगा। मेरी वीडियोस बहुत लंबी नहीं होती हैं, 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, कोई बहुत लंबी होगी तो 15-20 मिनट, तो इतने में आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फिर आपको दोबारा 10 घंटा बैठ के बुक्स को पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऑल दो बुक्स पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग कि बुक मत पढ़ो, बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये MCQ क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। पॉपुलर सॉवरेनिटी के एक साउंड थ्योरी को इवॉल्व करने के लिए रूसो लॉ के पॉपुलर बेसिस ऑफ सॉवरेनिटी के आइडिया को और हॉब्स के एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी ऑफ आइडिया को मिलाते हैं। देखो जॉन लॉक क्या कहते हैं, जॉन लॉक इंडिविजुअल को, लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो कहते हैं कि लोग अपना हर एक राइट नहीं देंगे, लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को बचा करके रखेंगे। लोगों के पास रिवोल्ट करने का राइट होगा कि अगर उनके लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को हार्म पहुंच रहा है तो वो रिवोल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोगों के पॉपुलर बेसिस ऑफ सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, लोगों के थ्रू लोग जो जिन लोगों को इलेक्ट करेंगे वो लोग ही लॉज बनाएंगे, वो लोग ही कानून बनाएंगे। तो एक तरह से लोग ही कानून बना रहे हैं, लोग ही संप्रभु हैं। तो जॉन लॉक भी पॉपुलर बेसिस ऑफ सॉवरेनिटी की बात करते हैं, मतलब लोगों संप्रभु कौन है, वो लॉज संप्रभु है जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए लीडर्स बना रहे हैं। तो एक तरह से लोग ही संप्रभु हैं, पॉपुलर सॉवरेनिटी है। तो यहाँ से रूसो पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट लेते हैं और थॉमस हॉब्स जो कहते हैं कि एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, मतलब वो कहते हैं कि एक बार जो सॉवरेन बन गया अब उस वो जो लॉज बनाएगा वो हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा, वो एब्सोल्यूट हो गया, उसके अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो यहाँ से रूसो जो है वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट लेते हैं और वो कहते हैं कि एक बार जब जनरल विल के थ्रू लॉज बन गए तो उसे हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा और अगर कोई नहीं फॉलो करता है तो उसको फोर्सफुली फॉलो करवाया जाएगा। तो मतलब जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स दोनों से एक मतलब अच्छे पॉइंट्स निकालते हैं वो और एक साउंड और बैलेंस्ड थ्योरी देते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी का, जहाँ पे वो कहते हैं कि सॉवरेनिटी या संप्रभुता किसकी है, पॉपुलर सॉवरेनिटी है, लोगों की संप्रभुता है। लोगों की संप्रभुता का क्या मतलब है, पूरी सोसाइटी के लोगों के रियल विल के कॉम्बिनेशन, यानी कि जनरल विल की सॉवरेनिटी है, जनरल विल की संप्रभुता है। अब इस जनरल विल के थ्रू जो लॉज बनेंगे वो हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा और अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको फोर्सफुली फॉलो करवाएगी गवर्नमेंट, जो कि एक एजेंसी की तरह काम करेगी। तो रूसो के पॉपुलर सॉवरेनिटी की थ्योरी या कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, रूसो कहते हैं कि जो स्टेट, जिस तरह के स्टेट की वो कल्पना कर रहे हैं
उसमें सोवरेनिटी या संप्रभुता किसकी है? लोगों की है, पॉपुलर सोवरेनिटी है, लोगों की संप्रभुता है, यानी कि जनरल विल की संप्रभुता है, जनरल विल ही सुप्रीम है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम असेसमेंट करेंगे रूसो का, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।